हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जर्दा पुलाव की रेसिपी। अक्सर आपने अगर पहले बनाया होगा तो आपने उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, जैसे कि या तो वो ओवर कुक हो जाते हैं जो राइस होते हैं, या फिर वो बहुत चिपचिपे बनते हैं। तो आज बहुत ही ईजी तरीके से हम कैसे एक ही बार में जर्दा पुलाव को बना सकते हैं, आज आप मेरी इस रेसिपी में देखेंगे। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आज के बाद आपके जर्दा पुलाव ना ही चिपचिपे बनेंगे, एक ही बार में तैयार हो जाएंगे और ओवर कुक भी नहीं होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे जर्दा पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप राइस। ये मैंने बासमती राइस लिया है, आप सेला राइस भी ले सकते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से धो करके फिर पानी में भिगोएं और फिर उसके बाद हम इसको बनाते हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। इसमें मैं थोड़े से डाल रही हूँ कोकोनट के थिन करे हुए, आप देख सकते हैं बहुत फाइन मैंने ये स्लाइसेस करे हैं। आप चाहें तो ये ब्लैक पोर्शन निकाल सकते हैं, बट मैंने इसमें रखा है। ये मेरा फ्रेश कोकोनट है, आप ड्राई कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी। घी में अगर आप ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे तो उनकी सुगंध और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग रहेगा। यहाँ पर मेरे पास है कुछ बादाम, तो मैं बादाम को भी फाइन चॉप कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम। बादाम को मैंने थोड़ा सा हल्का सा मोटा चॉप किया है, क्योंकि अगर आप बहुत फाइन चॉप कर देंगे तो उसका नटी टेक्सचर नहीं आएगा। हमें सिम फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, आप हाफ में भी चॉप कर सकते हैं काजू को, या फिर 1/4 पीस में भी। अक्सर आपने रेसिपीज में देखा होगा कि हम राइस को अलग कुक करते हैं और फिर उसको मेथी के साथ अलग पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप खुले चावल को पकाते हैं तो कई बार चावल ज़्यादा पक जाते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपके जो जर्दा पुलाव है वो बहुत ही खिला खिला और बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये हमारे अच्छे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश को रोस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल एंड में डालें वरना वो बहुत ज़्यादा कैरमलाइज हो जाएगी किशमिश। बस एक बार आपको उसको चलाना है और बस आपकी वो सौते हो जाएगी, एक घी की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। तो अब हम इनको निकाल लेंगे सभी ड्राई फ्रूट्स को। इस रेसिपी को आप तब भी बना सकते हैं जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, क्योंकि ये फुल ऑफ नट्स है, बहुत हेल्दी है। अब हम इसी में जो घी वाली कढ़ाई है उसी में मैंने डाली है 2 से 4 लौंग। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मैंने 1 कप राइस सोक किया था तो मैं 2 कप पानी डालूँगी। जितना भी राइस ले रहे हैं आपको उसका डबल पानी डालना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने राइस आधा घंटा भिगोए हैं तो आप डबल पानी डालिएगा, बट अगर आपने राइस को बहुत ज़्यादा देर भिगोया है, 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया है, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, अदरवाइज जो राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ केसर की स्ट्रैंड्स। जब लोग चावल को अलग से उबालते हैं और फिर उसमें चीनी डालते हैं और उसको फिर निकाल मतलब पसा लेते हैं चावल को, तो जो पानी होता है उसके साथ लौंग केसर सब ड्रेन आउट हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम इसमें कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर पानी में मैं हल्का सा जायफल को घिस के डाल रही हूँ। जायफल नट में बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा इससे, अगर आपके पास है तो आप इसको डालें वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ, मेरे पास लिक्विड फूड कलर है, बस कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं घर में नहीं डालती हूँ, बट आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक वाला दिखाने के लिए कलर मुझे ये डाल रही हूँ। एक बार आप इसमें बॉइल आने देंगे अच्छे से। देखिए इसमें बॉइल आ गया है, ये मैंने चावलों को अच्छे से पानी इसका निकाल के इसको छान लिया है, इसको ऊपर चला देंगे, इसको हम कवर करेंगे और इसको हम कुक होने देंगे जब तक कि पानी
आधा ना हो जाए। देखिए एक बॉईल आ गया है, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। हमारे चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले हमारे हैं ये चावल, और आप देख सकते हैं एक एक स्ट्रैंड बिल्कुल अलग है चावलों का। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, मैं यहाँ पे 3/4 कप चीनी ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पूरी 1 कप चीनी भी ले सकते हैं, मतलब जितना चावल उतनी चीनी। इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इलायची को थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लिया है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसकी जगह, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नीचे से अभी हम नहीं चलाएंगे, होगा क्या जब चीनी इसमें घुलेगी तो वो पानी रिलीज करेगी। तो अगर अभी आप नीचे से बिल्कुल चावलों को चला देंगे तो जो सबसे नीचे के चावल हैं वो टूट जाएंगे। तो बस हमें इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको अब हम कवर कर देंगे। हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए चीनी ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार जर्दा पुलाव ज़रूर बनाइएगा। इससे होगा क्या कि थोड़ी कम घी में बनेंगे, मैंने अभी तक 1 चम्मच घी ही डाला है, और बहुत ही खिले खिले और एक एक बार में आइए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस टाइम पे हमने जो ड्राई रोस्ट करे थे अपने ड्राई फ्रूट्स वो डालेंगे। कोई त्यौहार हो, बसंत पंचमी हो, या फिर ईद का फेस्टिवल हो, ये बिल्कुल परफेक्ट स्वीट डिश है हम इंडियंस की। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसको फिर से 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करें। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैंने गैस की फ्लेम कर दी है ऑफ, और अब हम इसको ऐसे ही ढके रह देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि राइस अपनी ही जो स्टीम है उसमें बफ जाए अच्छे से। फिर हमारे राइस को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, इसमें मैं फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसको हम हल्के से मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल भी हमारा पुलाव चिपका नहीं है, और देखिए कितना खूबसूरत और लजीज लग रहा है ये। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको जर्दा पुलाव में कोकोनट का फ्लेवर और टेक्सचर पसंद आता है या नहीं, या आप उसमें डालना चाहेंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स आज की अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको भी मीठा और नमकीन का फ्लेवर पसंद है तो आप इस जर्दा पुलाव को भी खा सकते हैं उड़द चने की दाल के साथ। तो आप एक बार उड़द चने की या फिर सिर्फ उड़द की दाल बनाइए, धुली उड़द की दाल, और उसके साथ आप इसको एक बार ज़रूर खा के देखिएगा। आपका जो स्वाद है वो दुगना हो जाएगा जर्दा पुलाव का।